अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कंप्यूटर, स्टैंडर्ड 8, चैप्टर नंबर 3, अल्गोरिदम डेवलपमेंट। इन लास्ट वीडियो वी हैड लर्न अबाउट फ्लोचार्ट एंड सिंबल्स यूज्ड इन अ फ्लोचार्ट। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट सिंबल इन डीपली। Let's see. Terminal. It indicates the starting and ending points of a process. Terminal क्या बताता है? तो कि starting और ending point. It is also used to indicate a pause in an algorithm. कई मर्तबा हमको प्रोग्राम में पॉज करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी टर्मिनल का यूज़ करके हम कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट। इट इंडिकेट्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा इन अ प्रोसेस। ये क्या बताता है? प्रोसेस के अंदर पहले तो इनपुट होगा, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। ओके, फॉर एग्जांपल दिस सिंबल इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल और टू प्रिंट द रिजल्ट वैल्यू। पहले असाइन होगा यानी कि इनपुट, फिर प्रिंट होगा रिजल्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। प्रोसेस। इट इंडिकेट्स द प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन इन अ प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा? कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग। इट इज आल्सो यूज इंडिकेट वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल्स। इसका और दूसरा यूज क्या होता है? तो कि वैल्यू असाइन करने में। डिसीजन। इट इंडिकेट्स कंपेरिजन्स मेड एंड डिसीजन टेकन इन अ प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है? कंपेरिजन। ओके, फिर बाद में वो क्या लेते हैं? डिसीजन। इट इज ऑल्सो यूज टू स्कीप सर्टेन स्टेप्स एंड मूव टू सम अदर स्पेसिफिक स्टेप्स इन द प्रोसेस। In this symbol, data can enter from one point only, but it may exit from more than one point. इसमें data जो है वो one point से enter होता है, लेकिन exit एक से ज़्यादा point से होता है. Two-way branch. देखो यहाँ पे दिया हुआ x greater than y. अगर yes होगा तो yes में जाएगा, आगे चलेगा, no होगा तो बाहर निकल जाएगी। थ्री वे ब्रांच। एक्स लेस देन वाई, कंपेयर एक्स एंड वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे थ्री कंडीशन चेक होगी। मल्टीपल वे ब्रांच। एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा मतलब? ओके, जो भी रिजल्ट है वो यस में जाएगा तो वहाँ पे से उसका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और रिजल्ट मिलेगा। ओके, अगर ये नो पे जाएगा तो वापस शुरुआत से प्रोग्राम में चला जाएगा। कनेक्टर। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिग फ्लो चार्ट। कनेक्टर का क्या यूज होता है? कि वो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स को। इट इज़ यूज मेंटेन द फ्लो ऑफ लॉजिक इन अ लॉन्ग प्रोग्राम। ओके, वो फ्लो, बड़े बड़े प्रोग्राम है उसका जो फ्लो रहता है उसको मेंटेन करता है। कई मरतबा कोडिंग ज़्यादा हो जावे तो कनेक्शन अलग अलग पार्ट्स का अपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कनेक्शन होता है, तो ये कनेक्टर का उसमें यूज़ होता है। फ्लो लाइन। इट इंडिकेट्स द पाथ टू बी फॉलोड और द सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन that to be executed in a particular order। ये क्या बताता है? तो कि path, उसके sequence के आगे अब program में कौन से path में जाएगा। okay, जैसे उसका क्या symbol है? तो कि arrow, ठीक है, जो arrow shape है वो flow line का symbol है, तो वो path बताएगा कि अब आगे sequence के हिसाब से, मतलब जितना भी अपना प्रोग्राम हो उसकी सीक्वेंस पर्टिकुलर ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। इन शॉर्ट,
इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, क्या बताएगा वो? तो कि प्रोग्राम का जो है वो फ्लो। ठीक है, आई होप कि वीडियो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।